मैडम रविना जी, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल लुक में बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। क्या कहेंगे, ज्वेलरी अवार्ड है और ज्वेलरी के बारे में क्या कहेंगे, कितनी ज्वेलरी पहनना पसंद है आपको? आई थिंक आज तक मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं मिली हूँ जिनको ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। आजकल तो लड़के भी ज्वेलरी पहनते हैं, काफ़ी देखने में आता है, गोल्ड चेन्स वगैरह लड़कों को भी शौक है, ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का। तो आई थिंक मेरे लिए ज्वेलरी सिर्फ एक ऑर्नमेंट नहीं है कि आप अपने आप को सजाओ संवारो, मेरे हिसाब से वो एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं एंड आई थिंक सबके ज़िंदगी में एक मुकाम होता है कि आप अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए आप ज्वेलरी कलेक्ट करो या शादी की सोचो। तो एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ज्वेलरी कि आप अभी ख़रीदो तो 20 साल बाद, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन सोना होती है और सोना सोना होता है, तो 20 साल बाद वो और भी इतनी दुगनी महंगी हो जाएगी, कभी कभी हाथ में नहीं आए। तो आई बिलीव कि ज्वेलरी इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्ट करो और आगे फिर पछताना।